हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्रीएम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की हमारी स्लाइड हिंदी इंग्लिश और दोनों में है, जिससे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम प्रियम्बल की बात करें, यानी कि जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं। अब इसे उद्देशिका क्यों कहते हैं? जब हिंदी में एक वर्ड प्रस्तावना यूज किया था तो उद्देशिका यूज करने की क्या जरूरत है? तो इसके पीछे रीजन यह है कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उस उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकली थी हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उद्देशिका? क्योंकि यह हमारी जो उद्देश्य प्रस्ताव है उससे ही ली गई है। अब आगे हम आते हैं अपनी प्रीएम्बल पे। प्रीएम्बल सबसे पहले हमारी बताती है सोर्स यानी कि स्रोत। स्रोत क्या है हमारे संविधान का? तो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या है? इस संविधान के स्रोत है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये आगे बात बताता है कि जो भारत है उसकी जो भारतीय राज्य हैं हमारे, उनकी प्रकृति क्या है यानी कि नेचर क्या है उसका। तो नेचर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेन है। सबसे पहली चीज सॉवरेन है। देखिए, जब काफी लंबे समय से हम किसी चीज से प्रताड़ित रहते हैं या फिर टॉर्मेंटेड होते हैं, सताए हुए होते हैं, तो सबसे पहले हम उसी चीज से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हमारा जो भारत था वो कई वर्षों तक ब्रिटिश रूल के अधीन रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहली नीड क्या थी? खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की, अपने आप को एक सॉवरेन स्टेट बनाने की, कि अब हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन है और अब हमारे ऊपर कोई और हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं है। दूसरी चीज क्या है आगे? क्या है? समाजवादी है, यानी कि जो हमारा देश है वो जो समाज है, समाज में जो सामाजिक हित है उन पर पूर्ण रूप से ध्यान देता है और जो समाज में उत्पादन और वितरण होता है वो हमारे समाज के हाथ में ही है। आगे कहता है ये पंथ निरपेक्ष है, यानी कि प्रकृति कैसी है हमारे भारत की, भारतीय राज्यों की, पंथ निरपेक्ष है। वो किसी एक क्या नाम है, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे धर्म निरपेक्ष वर्ड यूज क्यों नहीं किया है, तो यहाँ पर धर्म निरपेक्ष वर्ड इसलिए यूज नहीं किया है कि उसका मतलब होता कि हमारा जो भारत है वो किसी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, धर्म निरपेक्ष है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को नहीं मानता है, किसी पर्टिकुलर पंथ को नहीं मानता है। पंथ का मतलब होता है यानी कि पथ, यानी कि एक रास्ता, यानी कि किसी एक धार्मिक रास्ते पर नहीं चलेगा, यानी कि राज्य जो है किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है पंथ निरपेक्ष, कि हमारा जो राज्य है वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, पंथ निरपेक्ष है। आगे कहता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक यानी कि जो हमारा सॉवरेन अथॉरिटी होगी, जो हमारा सॉवरेन होगा, संप्रभु होगा, ठीक है, जो हम पे शासक करेगा, वो कहाँ से कैसे अपॉइंट होगा? तो वो जनता के थ्रू ही अपॉइंट होकर के आएगा। आगे कहता है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीन्स क्या है कि जिसे हम अपॉइंट करेंगे वो आपका सत्ता के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इनहेरिटेंस नहीं होगा। जैसे कि ब्रिटेन में भी आपने देखा जो किंग क्वीन एलिजाबेथ थी, उनकी डेथ हो गई है, अब उनके जो सबसे बड़े बेटे यानी कि जो उनकी प्रथम संतान है चार्ल्स, उनको क्या बनाया गया है, अब नेक्स्ट किंग बनाया गया है ब्रिटेन का। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारा क्या होगा, गणराज्य है, यानी कि जो हमारा सॉवरेन अथॉरिटी होगी वो हम ही लोगों में से, हम जनता में से, गण जो गण है भारत के लोग हैं उनमें से ही कोई व्यक्ति होगा। तो इसका मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि चुनकर आएगा, और चुनकर कौन आएगा, रिपब्लिक यानी कि हम ही में से कोई एक व्यक्ति हो सकता, वो ऐसा नहीं है सत्ता के अकॉर्डिंग होगा। बनाने के लिए अभी कह रहे हैं कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
बनाना चाह रहे हैं बनाएंगे, और उसके लिए क्या करना होगा, उसके समस्त नागरिकों को, जितने उसके ऑल इट सिटीजन्स यानी कि उसके समस्त नागरिकों को क्या प्रोवाइड कराना होगा, जस्टिस प्रोवाइड कराना होगा। और वो जस्टिस कैसा होगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि हम सामाजिक न्याय प्रदान कराएंगे, यानी कि सामाजिक तौर पे सभी व्यक्ति समान होंगे, उनके इसके साथ सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रोवाइड, जैसे क्या है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारी बताती है। उसके बाद राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा, जैसे राइट टू वोट है, ठीक है, राजनीति से रिलेटेड जितना भी है सारी सबसे रिलेटेड आपको क्या है जस्टिस प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे क्या कहती है, अब हमें प्रोवाइड कराएगी क्या, लिबर्टी। लिबर्टी किसकी, थॉट्स एक्सप्रेशन, यानी कि आपके विचारों की एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति की, कि आप विचार अपने विचार रख सकते हैं, विचार लोगों के सामने क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं किसी भी धर्म पर, उस धर्म की उपासना कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, आपको स्वतंत्रता लिबर्टी प्रदान करता है। अब आगे कहता है इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस। अब क्या प्रोवाइड कराए, इक्वेलिटी प्रोवाइड कराएगा कि स्टेटस की, प्रतिष्ठा की, सभी लोग समान होंगे, सभी की समान प्रतिष्ठा होगी, सभी का समान स्टेटस होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटिश जो रूल था उसमें चलता था कि आपके अगर आपने जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी अकॉर्डिंग काम किया है तो आपको वो उपाधि प्रदान कर देंगे, राय बहादुर, ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी को इक्वेटी है, इक्वेलिटी है, समता है, इसकी प्रतिष्ठा की, सभी की प्रतिष्ठा बराबर सम्मान है, और अवसर की समानता है, अवसर की समता है कि सभी को समान अवसर क्या कराए जाएंगे, प्रदान कराए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। टू प्रमोट अमंग देम द फैटर्निटी। अब उसमें क्या करेगा, फैटर्निटी यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब क्या करना होगा इसके लिए, प्रतिष्ठा आपको प्रतिष्ठा की समानता दे दी, आपको अवसर की समानता दे दी। अब ये कह रहा है आगे कि इन सबको प्राप्त कराने के लिए उनमें व्यक्ति की गरिमा गरिमा भी बनाई रखनी पड़ेगी, जो व्यक्ति है उसकी गरिमा भी बनाई रखनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना होगा, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बंधुत्वता बढ़ेगी, ठीक है, जब आपकी आप व्यक्ति की गरिमा बनाए रखोगे, ठीक है, बिल्कुल अपने समान उसका प्रतिष्ठा मान सम्मान करेंगे, राष्ट्र की एकता बनाए रखेंगे, अखंडता को उसकी सुनिश्चित करेंगे, तो तब क्या होगी, बंधुत्वता बढ़ेगी। और उस बंधुत्वता इन सब चीज के लिए, उस बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए, सभी नागरिकों को जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए, फ्रीडम प्रोवाइड कराने के लिए क्या कर रहे हैं, हम दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में क्या कर रहे हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। यानी कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू द अवर सेल्फ, यानी कि अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इस जो संविधान है इसको क्या करते हैं, आत्मअर्पित करते हैं। अगर अडॉप्ट की बात में कहूँ तो अडॉप्ट से मतलब है यहाँ पर, यानी कि अंगीकृत करने से मतलब है कि हमने क्या कर दिया है, इसे अपना लिया है, इसे स्वीकार कर लिया है। दूसरी चीज इनेक्ट, अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब क्या होता है कि हमने क्या कर लिया, खुद को नियंत्रित कर लिया है इससे, यानी कि अब हम क्या होंगे, इसी के द्वारा नियमित किया जाएगा, यानी संविधान के प्रावधानों से ही हम क्या होंगे, नियंत्रित होंगे। और दूसरी चीज आगे आत्मअर्पित, गिव टू अवर सेल्फ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, इस संविधान को आत्मा की, अपनी आत्मा को अर्पित कर दिया है, यानी कि जो हमारा संविधान है वो हमारी आत्मा के साथ ही हमारा संविधान भी अमर रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारा भारत का संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको क्या कहते हैं, जीवित संविधान कहते हैं, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीएम्बल। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँ प्रीएम्बल के रिलेटेड, तो जैसे कि संविधान की आत्मा किसने कहा है इस प्रीएम्बल को, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। अगर मैं बात करूं कि संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो ये कहा है के एम मुंशी ने। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर एंड बाय बाय.